शिंजो आबे जो के जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वह आज एक चुनावी सभा में थे। तभी एक बंदूकधारी आया और उसने उनके ऊपर फायर किया और जिससे उनकी मौत हो गई और वह मर गए। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के बारे में। शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 में हुआ था। ये एक जापानी राजनेता थे जिन्होंने 2006 से 2007 तक और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और वे LDP यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। वे सबसे लंबे तक सेवा करने वाले जापान के प्रधानमंत्री बने। जापानी इतिहास में आबे ने 2005 से 2006 तक चुनिचोरी कोइजुमी के अधीन मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में काम किया और 2012 में विपक्ष के रूप में काम किया। एक प्रमुख राजनीति परिवार में जन्मे आबे 1993 के चुनाव में प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे। सितंबर 2005 में उन्होंने प्रधानमंत्री और LDP अध्यक्ष के रूप में बदलने से पहले उन्हें सितंबर 2005 में प्रधानमंत्री जूनिचिरो कोइजुमी द्वारा मुख्य कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें राष्ट्रीय डायट के एक विशेष सत्र द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की गई, जो जापान के सबसे युवा